कि सुनहरी अंबर नीला हो, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला। ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। वतन ऐ वतन, हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। फूल क्या चीज है तेरे कदमों पे, हम भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले, छूते दिल के तार से इंडिया वाले, हर जीत जीत ले हार से इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले। India, I love my India. ये मेरा इंडिया, I love my इंडिया। चमके जैसे चांद चमकता है, मेरी मकानी कैसे चमके जैसे चांद चमकता है, दीपक भले रचे जलता है, दीपक भले रचे जलता है, हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज गोपाल एंड यू आर वेलकम टू द माय चैनल गोविंद गोपाल। हियर वी आर गैदर टू सेलिब्रेट 72nd इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त इन द प्राइमरी स्कूल, एंड हियर वी डिस्कस अबाउट समथिंग द प्रोग्रेस ऑफ द स्कूल एंड द डेवलपमेंट ऑफ द विलेज करीलिया हयातपुर हंगोटिया, एंड हियर वी विल डिस्कस समथिंग मैटर अबाउट द स्कूल और द विलेज। हियर वी डिस्कस सुनील सिंह लोधी जी, तो हम बात कर रहे हैं सुनील सिंह जी से। तो अब आप 15 अगस्त पर यहाँ विद्यालय में उपस्थित हैं जी, तो आपको यहाँ की व्यवस्था कैसी लगी? व्यवस्था है पूरी चाक चौन है, हमारा स्कूल स्टाफ और हमारे जो ग्राम प्रधान प्लस हमारी पूरी टीम लगी हुई है, पूरी व्यवस्थाएं चाक चौन है। और हमने जो है 15 अगस्त का जो पर्व मनाया, बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया, आप भी देख ही रहे। चलिए, यहाँ पर बाकी जो शिक्षा व्यवस्था है और बच्चों का प्रोग्रेस है, उस हिसाब से आप सेटिस्फाई हैं? हाँ, सेटिस्फाई है, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं हमारे टीचर महोदय है, और हमारे मतलब जो है क्या कहें, सब मेहनत कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं बच्चों को, और वो भी मिल रहा है। कई ऐसे विद्यालय के प्रमाण हमें मिले हैं जहाँ पर ग्राम प्रधान और प्रधानाध्यापक ने मिल के विद्यालय की भौगोलिक स्थिति को बिल्कुल बदल दिया है। जो भौतिक स्थिति होती है, यानी उसकी रंग रूप सजावट बिल्कुल बदल देते हैं, तो यहाँ भी काफ़ी विकास हुआ है। इस गांव में काफ़ी पेड़ पौधे लगाए गए ग्राम विकास अधिकारी द्वारा, और ग्राम प्रधान द्वारा भी काफ़ी सहयोग किया गया है। तो उस संबंध हम जानना चाहते हैं कि आगे भी इस गाँव के लिए कोई योजना है आपकी? गाँव के विकास के बारे में आप देख ही रहे हैं जो हो रहा है, आपके सामने है, गाँव का बहुत कुछ विकास हुआ है पिछले 2 वर्षों में, और आगे भी कार्य योजनाएं हमारी 1-2 दिन में बना रहे हैं और बन भी गई हैं। और रही बात स्कूल की, तो आप स्कूल की कार्य योजनाएं, स्कूल के शिक्षक हमारे प्रधानाचार्य हमारे ग्राम प्रधान हमारी पूरी टीम को बना के दें, और हम उस पर अमल करेंगे, कार्य करेंगे, ये हमारा वादा है। चलिए, ग्राम प्रधान जी यहाँ पर अभी मौजूद नहीं है, उनके प्रतिनिधि यहाँ मौजूद हैं, और उनसे ही हमारी बातें हो रही हैं। वो बिल्कुल सहमत हैं इस बात से कि जब भी आवश्यकता पड़ेगी इस गाँव के स्कूल के विकास के लिए, हम यहाँ पर हमेशा मौजूद रहेंगे, और जो भी आवश्यकता होगी इसके लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। और साथ ही हम बात जानना चाहते हैं इसके और विस्तार के बारे में कि 15 अगस्त सेलिब्रेशन यहाँ पर मनाने का क्या क्या और उद्देश्य रहा हमारा, बच्चों को हमने क्या शिक्षा दी, क्या ज्ञान दिया उनको? हमारा तो यही उद्देश्य है कि सरकार ने भी
सरकार का भी ये निर्णय है कि 1 वर्ष से और 14 वर्ष तक शिक्षा मुफ्त है, मुफ्त ही मिल रही है। यहाँ पर मुफ्त होने के बावजूद भी आप कुछ लोग बच्चों की पढ़ाई में रुचि नहीं ले रहे हैं। मेरा हमारा आज यही कहना था, यही फोकस था कि सभी लोग अपने बच्चों को विद्यालय में भेजें। हमारे विद्यालय के टीचर शिक्षक शिक्षिकाएं हमारा मतलब जो है बहुत मेहनत कर रहे हैं और उस मेहनत का फल देखने को भी मिल रहा है। पिछले में 1-2 वर्ष पहले देखा था कुछ और था, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कुछ और मिला है, वो सब ठीक चल रहा है। जी हाँ, पहले विद्यालय की स्थिति थोड़ी अलग थी, अब बहुत बेहतर हो गई है। और जहाँ तक हम ये मान लें कि गाँववासी इस विद्यालय की प्रोग्रेस से, इस विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था से बिल्कुल संतुष्ट है, कोई आपके लोग खुश हैं और ठीक चल रहा है। जी, इसमें वैसे ग्रामवासियों का भी योगदान होना चाहिए शिक्षा व्यवस्था में, बच्चों को प्रोग्रेस करने के लिए। बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ग्रामवासियों का ये दायित्व बनता है वो अपने बच्चों को समय से जगाएं, समय से नहलाएं, समय से स्कूल भेजें और अपना होमवर्क देखें कि बच्चे ने क्या किया और उसे आगे बढ़ाएं। जी जी, वैसे तो पाठ्य पुस्तक सरकार मुहैया करा रही है, सारी सुविधाएं सरकार दे रही है, अभिभावकों को बस इतना दायित्व बनता है कि वो अपने बच्चों को घर से समय से स्कूल भेज दें और स्कूल में पहुँचें और अपना थोड़ा सा उनको गाइड करते रहें, पढ़ाई करवाते रहें, बस यही उनके लिए हम आशा करते हैं गाँववासियों से। और देखते हैं कि देखिए बच्चे किस तरीके से शिक्षा के स्तर में आगे बढ़ते जाएंगे। और हम बात करेंगे ग्राम के वरिष्ठ, हमारे चाचा जी हैं ये, और चाचा जी आप बताइए कि गांव की जो शिक्षा व्यवस्था है उस संबंध में, विद्यालय की भौगोलिक स्थिति के संबंध में आप सेटिस्फाई हैं, कोई ऐसी समस्या नहीं ग्राम प्रधान से या प्रधानाध्यापक से? सही चल रहा भैया, स्कूल की व्यवस्था बढ़िया है, बच्चे भी सही समय से आ रहे हैं और टीचर भी सब समय से आ रहे हैं। जी जी, और साथ व्यवस्था बढ़िया चल रही है, पढ़ाई लिखाई जो बढ़िया चल रही है पहले से बढ़िया है। ये बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ गांव के वासी जितने भी हैं सभी विद्यालय की व्यवस्था से बिल्कुल सेटिस्फाई हैं और बच्चों की प्रोग्रेस से सेटिस्फाई हैं। और हम आशा करते हैं कि गाँव का पूरा सहयोग विद्यालय को मिलता रहेगा, क्योंकि ये निश्चित हो गया है कि अब खाली एक विद्यालय का स्टाफ, जो हमारा प्रधानाध्यापक या सहायक अध्यापक हैं, वो पूरी तरह से बच्चों में विकास नहीं ला सकते जब तक गांव वालों का उसमें साथ नहीं होगा। यानी जब तक गांव वाले अभिभावक, ग्राम के जो पदाधिकारी हैं और पूरा समस्त स्टाफ है मिलजुल के एक साथ एक विद्यालय में कार्य नहीं करेंगे, उस विद्यालय की प्रगति नहीं हो सकती है। तो हम सभी से यही उम्मीद करते हैं कि आगे भी भविष्य में कोई समस्या आएगी तो आप ग्राम प्रधान जी और प्रधानाध्यापक से संपर्क करेंगे, और कोई समस्या विद्यालय संबंधित? कोई समस्या ना है, बढ़िया चल रहा है काम, और त्याई कोई समस्या हो वो हल होगी आपकी? नहीं नहीं, चलिए बहुत बढ़िया। और हम आज यहाँ पर इकट्ठे हुए थे 15 अगस्त मनाने के लिए, और 15 अगस्त यहाँ पर ग्रामवासियों ने आकर बहुत ही मान सम्मान के साथ 15 अगस्त मनाया है, सभी छात्रों को मिष्ठान वितरण करने के बाद हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं जानने के लिए कि आखिरकार यहाँ की व्यवस्था कैसी थी। क्या अभी हम अभी इस विद्यालय में आए हैं और जाना चाहा यहाँ, तो चलिए आज इतना ही, बहुत अच्छा रहा जानकर कि यहाँ सब कुछ ठीक है और आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि अगली साल इससे बेहतर स्थिति हम पाएंगे। हमारा ये वादा है इस अध्यापक जितने भी विद्यालय में पढ़ा रहे हैं कि बच्चों के शैक्षिक स्तर में भी निरंतर उतना ही विकास होगा जितना आप उम्मीद करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मैं हूँ आपका साथी गोपाल सिंह, नमस्कार।